आज कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश का काफी अच्छा काम कर रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी भी हो रहा है कि इनके मार्गदर्शन में आज दिवाली में कृषि विज्ञान केंद्र को जो सहायता दिया गया सर, उससे आज कृषि विज्ञान केंद्र का जो रूपरेखा है वह बदला हुआ है। मैं अन्य विधायक जी का स्वागत वंदन करता हूँ जो यहाँ पर है और उम्मीद करते हैं कि इनके आशीर्वाद से जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो अच्छा काम करेगा। साथ में देवेश चतुर्वेदी जी प्लस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, अन्य जितने अतिथिगण मंच बैठे हुए हैं, सभी का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। महोदय, पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रसार का कार्य कर रहा है और यह कृषि विज्ञान केंद्र हर स्तर पर, चाहे गांव का हो, ब्लॉक का हो, जिला का हो, सभी स्तर पर किसानों को, महिलाओं को, नवयुवकों को प्रशिक्षण देने का, प्रदर्शन लगाने का काम कर रहा है और जिसका परिणाम है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार ने जो 75,000 किसानों का डबलिंग द फार्म सिस्टम का रिपोर्ट सबमिट किया था, उसको देखने से ऐसा लगता है कि कृषि में एक नई क्रांति आई है और उस क्रांति में कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि विज्ञान केंद्र आज 3.5 करोड़ किसानों को मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन दो दिन अपना किसानों को जो सूचना देता है, 3.5 करोड़ किसान जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र से सूचना प्राप्त करते हैं और जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारा उत्पादन कितना बढ़ रहा है। इस तरह से जो कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है और 102 नया कृषि विज्ञान केंद्र और खोलने का भारत सरकार ने प्रोविजन किया हुआ है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 731 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा काम कर रहा है। मैं पुनः मंचा सिंह अपने अतिथियों का और हमारे किसान भाइयों बहनों का इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। और स्वागत की इस कड़ी में मंच पर आसीन माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी से सादर अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, पीछे वालों से आवाज नहीं आई, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर ये बढ़िया चौक में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबों के मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और हम लोगों का विशेष सदन से लेकर के और अपने विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें सहयोग करने का काम आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे मातृभूमि से आए क्षेत्रीय हमारे विधायक खजरी श्री राम चौहान जी, हमारे परम सहयोगी और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सहयोगी विधायक माननीय महेंद्रपाल सिंह जी, भाई प्रदीप शुक्ला जी, शासन में अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारी श्री देवेश चतुर्वेदी जी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उधम सिंह गौतम जी उप निदेशक, शांतनु कुमार जी हमारे ब्लॉक प्रमुख जनरल कौड़िया ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरवैया संजय सिंह जी, हमारे चेयरमैन टाउन एरिया श्री विश्वकर्मा जी,
तमाम हमारे आज यहाँ उपस्थित साथियों का और जनता की तरफ से मैं महाराज जी को धन्यवाद और विशेष आग्रह के साथ एक निवेदन करने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, विकास की बहुत संभावनाएं आपको हम लोग पत्र देते हैं, मांग पत्र के माध्यम से शासन में विभिन्न विभाग में योजनाओं में आप उसको सम्मिलित करके कैंपियरगंज, भदोइया और जंगल कौड़िया को आपने बड़े पैमाने पर विकसित करके हम सबों को आशीर्वाद देने का काम किया। मैं समस्त जनता की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज कौड़िया और कैंपियरगंज में काफी विकास हो गया, अब हमको भदोइया को भी और प्राथमिकता में आगे बढ़ाना है और भदोइया में और बहुत से विकास की संभावनाएं हैं। मुझे याद है यही स्थान है राधा मोहन सिंह जी जब कृषि मंत्री जी थे, आपने संस्था की जमीन को जन सेवा के लिए उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध हो उसके लिए आपने इस जगह का चयन करके अपनी निजी क्षेत्रीय संस्था की जमीन को भारत सरकार को दे करके यहाँ की जनता के हित के लिए जो कार्य किया महाराज जी, हमने वो समय देखा है और मैं आपको धन्यवाद विशेष तौर पर इसलिए दे रहा हूँ कि किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी का सपना है दुगना हो उसमें ये जो बीज केंद्र है किसान केंद्र ये मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हम लोगों की आवश्यकता है आपके आदेशानुसार हम लोग इसमें लगेंगे, कार्य करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। हमने प्राचार्य जी से भी बात की है, छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको हम लोग करेंगे और आपके आशीर्वाद से ये सारे कार्य हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमने इससे पहले भी आपसे निवेदन किया है, आप उस पर सहमत भी हैं। 22 एकड़ हमारे कैंपियरगंज में एक जमीन उपलब्ध है, एक बड़ा उद्योग आप देंगे मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने मांग पत्र के साथ कुछ हमारे व्यापारी भी आए हैं पीपीगंज से, उनकी भी समस्याएं हैं, उनको भी आपको मैं दे दूंगा लिखित रूप से। महाराज जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ये हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर हमेशा बना रहेगा और निश्चित रूप से आप हम लोगों के इस विधानसभा कैंपियरगंज को आप विशेष ध्यान देने का काम करते हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए बाबा अवैधनाथ जी और दिग्विजयनाथ जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सादिक धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में मंच पर माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को बताएं। का हाल बात सब लोगों के, आज महंत दिग्विजयनाथ महाराज जी और पूज्य महाराज जी के गुरु महाराज जी अवैधनाथ महाराज जी को पुण्यतिथि के अवसर पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक गुरु शिष्य का पद्धति के भी हम देखे तो ऐसे आज हमारे मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज जी वाणन और ऐसे महाराज जी खातिर हम चाहे कैंपियरगंज का ही देवतुल जनता देहात का एवं बड़ा नेताई होने के चाहिए सब लोगों के लगे महाराज जी के भैया हो, शिष्य हो तो महाराज जी जैसा भंडाराओ चलाता, उत्तर प्रदेश का सरकारों चलाता, कानून व्यवस्था भी बढ़िया बाटे और ये देखना चाहिए कि एक शिष्य कैसे होते हैं अपने गुरु के प्रति। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए लेकिन उसके बाद भी अपन गुरु शिष्य के प्रथा के जो आज हम देखे आज बहुत कुछ सीखने और एक भावुक हो गया और आप लोग भी सीखें यही बात कि अपने माई बाबू के, अपने गुरु के, अपने गुरुजन के हमेशा आदर करा, कितना भी बड़ा आदमी बन जाइया कबो मत भूलैया हो, नहीं तो जीवन हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी वरिष्ठ मंत्री जी का स्वागत बा और यहाँ के लोग लोकप्रिय विधायक जी जो बहुत बढ़िया से बोलना और उनका जैकेटिया हमको बहुत अच्छा लगे, आज जैकेटिया तो उतार के ले जाएगा, आज भोरे सिंह के जैकेट के पीछे हमारा नजर है। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जी का पंचायत उनके स्वागत बा, शिवराम चौहान जी माननीय विधायक थे उनके स्वागत बा, हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के
समस्त प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधानसभा के विधान परिषद के एमएलसी महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के स्वागत पर, माननीय महेंद्र पाल माननीय विधायक विपराई सिंह के स्वागत पर, माननीय श्री प्रदीप शुक्ला माननीय विधायक सहजनवा उनके स्वागत पर, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव उनके स्वागत पर, उधम सिंह गौतम जी के स्वागत पर, डॉक्टर शांत कुमार दुबे जी के स्वागत पर, ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख उनके स्वागत पर, संजय सिंह जी के स्वागत बा, महाराज जी के स्वागत बा, हमारे जिला अध्यक्ष जी के स्वागत, मिनिस्ट्री भैया के स्वागत बा, विश्वकर्मा जी के स्वागत बा, मंचा सिंह सभी लोगों के स्वागत, सबके प्रणाम। तो भैया हो, जैसे कि समय बदला था, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जोर बांटे समस्त भारत में कि किसान को शक्ति दो, 6,000 रुपया किसान के खाता में, हाईटेक कैसे होगा मेरा किसान, बढ़ेगा कैसे किसान, अपग्रेड कैसे होगा, कैसे खेती जो कि आज सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन के सरकार आज पूज्य महाराज जी जो एक संस्थान देना किसान भवन जो मिलल बा, देखे के चाहिए, वहां वैज्ञानिक लोग रहिए, किसान के वैज्ञानिक वहां रिसर्च होगा कि अब क्या क्या खेती होगी, अब नया खेती मधुमक्खी के साथ अब शहद कैसे बनाओगे। जैसे आपने मन की बात में सुना होगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहत रहना कि शहद से लेके अनगिनत, अभी महाराज जी भी बतियावत रहना वहर कि काला नमक 1 एकड़ में 1 क्विंटल हो तो महाराज जी 12 क्विंटल भले, तो महाराज जी कहेंगे 15 क्विंटल भी हो सकता है। तो आज किसान लोग का खेती महाराज जी और विस्तार में बताइए कि किसानी में आज सब्सिडी मिला था, कुल आज बहुत सारा ट्रैक्टर ले गई ना हो 60% 80% बहुत कुछ सरकार को खजाना खोल दी है, किसानी में खजाना खुल गई बा, जो किसान खेत में मजदूरी करता खातिर महाराज जी बहुत बड़ा तोहफा देना। सजनवा में जई है जरूर, जितना मजदूर परिवार आएगा यार, मजदूर मजदूरी के कर हाथ उठावा जरा, मजदूर परिवार से के बा तो सुन ला सब मजदूर परिवार, 12 एकड़ में सहजनवा में कॉलेज बनल बा, अटल आवास विद्यालय, अटल आवास विद्यालय 12 एकड़ में 1 रुपया ना लगी मजदूर परिवार की, 1 रुपया नहीं। पूज्य महाराज जी डबल इंजन के सरकार मोदी योगी जी का रामराज, जूता कपड़ा बस्ता मोजा किताब कॉपी कलम, कहे कि मोदी जी और योगी जी तय के लरन कि कोई जरूरी नहीं मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, अब मजदूर का बेटा आईएएस बनेगा, मजदूर का बेटा आईपीएस बनेगा, मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस थाने में जाएगा, मजदूर का बेटा रवि किशन बनेगा। ई बाटे सोच हमारे सरकार का, हमारे पूज्य महाराज जी का दूगो निस्वार्थ सन, एगो मोदी जी एगो योगी जी कुछ ना चाहिए, और ऐसे 18 गो अटल आवास विद्यालय समस्त उत्तर प्रदेश में बन गई बा, 18 गो 16 तैयार हो गए, 80 लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ले लिया, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी थे, इतना भव्य पूरे कमिश्नरी में हम ऐसा विद्यालय ना देखे, ये सोच बा मजदूर परिवार का भी देखे, इतना मजदूर परिवार है जा रही बात, अब लड़का बच्चा जहां मजदूरी करे के बाद करा, अपने बच्चा के छोड़ दा, छह कक्षा से होके छोड़ दा, बिटिया खाती बेटा खाती, 12 एकड़ में जरूर जइया हाथ जोड़ के निहोरा बा, एक लाभ लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पे लॉन्च की ना, 1 लाख रुपया से शुरू हुई, 3 लाख रुपया तक मिली, सीखबा तो रोज 500 रुपया सीखे कर मिली, जब सीख जाइबा तो 15,000 रुपया सामान खरीदेगा, जो आपको करना है, जितने राजमिस्त्री हैं दाढ़ी बनाए वाला से लेके जोन जोन काम देके आ वाला, सरकार पैसा देता बहुत कम ब्याज पे, इतना ब्याज की नहीं के बराबर लौटा देगा, 3 लाख रुपया तक नहीं, कि मेरा एक एक जनता एक एक गरीब आखिरी श्रेणी में खड़ा हुआ वंचित शोषित हर बिरादरी का, अब गरीब नहीं रहेगा इस देश में इस राज्य में, जेकर नाम उत्तर प्रदेश भाई गोरखपुर में कैंपियरगंज का ट्रेन रुकाए का बहुत डिमांड रहे हमारे, का हो सब लोगों के दिक्कत रहे ना,
कैंपियरगंज से बाबा देखा हमरे खड़ा होके बोलता, जब भी हम आए हम के भैया यह ट्रेन नहीं रुकत बा, मारो रहना आवाता मारो रहना आवाता। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से अब कैंपियरगंज में ट्रेन रुकी। हम 6-7 तारीख के माननीय विधायक जी के संग हुए हरी झंडी दिखाई और ओकरे बाद अब गोरखपुर ना जाए के पड़े। तो अपना खातिर एक जोरदार ताली बजा था कि अब कैंपियरगंज के जनता के गोरखपुर ना जाए के पड़ी। अब सब लोग खातिर पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ट्रेन यहरा रुकी। तो किसान लोगन के बारे में पूज्य महाराज जी बताइया, आज पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ शुरू भइल बा, एक पूरा संस्था शुरू भइल बा, एक पूरा हाईटेक कल्चर हो गया जहाँ हमारे किसान पढ़ेंगे, जहाँ पर कैसे नई नई खेती होगी, क्या क्या नया नया आप सब्जियां उगा सकते हैं, कैसे कैसे किसानी में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सरकार के लाभों को आप ले सकते हैं, जानकारी ला आप लोग। कृपया आजकल किसानी में लोग लाखों रुपया कमावत रहे, अब गरीबी का दिन मिट गई हो, ये राम राज्य चलता, ये सरकार जहां निस्वार्थ सन हमनी के सौभाग्य कि पूज्य महाराज जी हमनी के अभिभावक मुख्यमंत्री के रूप में भेटेगा। इनकर सोच कि हमरे कोई गरीब गुरबाप गरीब ना रहे, कोई बहन बेटी पर अत्याचार नहीं होगा, किसी को हिम्मत नहीं है, कानून व्यवस्था भी होगी, रोजगार भी होगा, फिल्मों की शूटिंग भी होती है, कलाकार भी तैयार हुई है, सबके रोजगार मिली चौमुखा, जो कि कहे जाला चौमुखी आप लोगन के पूरा रोजगार का व्यवस्था बाटे। एक बार सब लोग आखिरी तक बरसात में इतना भीड़ जो नाइल बा, धन्यवाद पूज्य महाराज जी के देखे खाते, हाथ उठा ला सब लोग और बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोला भारत माता की, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। धन्यवाद महोदय। और इस कड़ी में मंच पर माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से हम सभी सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। सादर अनुरोध। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के नूतन भवन सहित सभी परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखनाथ पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभिनेता और नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री मेरे मित्र श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मेरे साथ कृषि विभाग के योजनाओं को जमीन पर क्रियान्वित किए जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील ऐसे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज यहाँ तीन कृषि वैज्ञानिक भी हमारे देश के जो ख्यात ख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं इस मंच पर उपस्थित हैं। हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुंदरम, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान मनीला का साउथ एशिया कैंपस जो वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से संभव हो सका,
उसके निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह जी, उपकार के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित यहाँ के नेतागण और वैज्ञानिकगण, जिले प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की तरफ से अपने गृह मंडल में अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योगी जी अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। अभी कुछ महीने पहले हम लोग ग्वालियर गए और लाखों का एक समारोह था, वैवाहिक समारोह, और जिस समय हम लोग ग्वालियर में उस डायस पर पहुंचे तो पूरा मंडप ही योगी योगी करके चिल्लाने लगा। इतना उत्तर प्रदेश में इनकी ख्याति है, उससे कहीं और ज्यादा ख्याति जो है वो देश के अन्य राज्यों के भीतर है। आपकी प्रेरणा से यहां पर किसी विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है और लगभग कृषि की सभी विधाएं यहां पर स्थापित की गई है, जिसके भीतर नर्सरी लगाए जाने का, किसान को नर्सरी लगाए जाने की तरीका बताए जाने का, किसानों के उत्पाद से कैसे जो है हम और पदार्थ तैयार करके और कीमत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे होम साइंस डिपार्टमेंट गुड़ की इकाई को लगा करके यहाँ पर गुड़ का निर्माण, जो प्राकृतिक जैविक गुड़ है उस गुड़ को बनाए जाने के साथ साथ यहाँ के किसान भी यदि बनवाना चाहे तो उनको भी सुविधा और सीखना चाहे तो उनको भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो किसान भाई प्रशिक्षण के लिए आएंगे उनको प्रशिक्षण के लिए एक किसान हॉस्टल भी बनाया गया है, जहाँ पर वो दो दिन तीन दिन रुक करके प्रशिक्षण भी कर सकेंगे और यहाँ से वैज्ञानिकों से सीख करके अपने खेतों पर उतार सकेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन भी लगाए गए, बागवानी भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से आपको अच्छे फल, अच्छी सब्जियां और अच्छे अन्न की खेती कैसे की जा सकती है, इसका सारा प्रशिक्षण और जो अत्याधुनिक बीज और उन्नतशील खेती है उसके तौर तरीकों को हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर बताया गया। एक तरीके से गोरखपुर जनपद के भीतर रेलवे लाइन के उत्तरी क्षेत्र के भीतर यह एक बहुत बड़ा किसानों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन आ सकेगा, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर आधार आज लोकार्पण किया जा रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, आप किसान भाइयों और बहनों को, जिनके जीवन के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि क्षेत्र के भीतर यहाँ पर आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद और 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आने के बाद अनवरत इस बात का प्रयास जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो किसान अपनी कड़ी मेहनत और अपने पसीने को लगा करके लोगों के भोजन के लिए अन्न पैदा करता है, उन किसानों के भाइयों को अच्छी कीमतें मिल सके, उन किसान भाइयों को अच्छे उन्नतशील बीज मिल सके, उनको बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र मिल सके, उनको तकनीकी की जानकारी उनके खेतों पर कराई जा सके, निरंतर इसके लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रयास किया और इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। जिस पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चर्चा आदरणीय सांसद जी ने किया, उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है कि जितना पीएम किसान सम्मान निधि देश के भीतर मिला है लगभग 8.5 करोड़ किसानों को जा रहा है, 2.7 करोड़ किसान भाइयों को अकेले उत्तर प्रदेश में जा रहा है और अब तक 51,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके खाते में भेजा जा चुका है। एक समय था जब पूरे देश का किसी विभाग का बजट मात्र 22,000 करोड़ रुपए था और आज प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश को
लगभग 80,000 करोड़ रुपया देश के किसान भाइयों और बहनों को हर साल भेज रहे हैं, जिसके भीतर आप इसलिए भेज रहे हैं कि आप अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सकें। इसी तरीके से जब हमारे सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हुए, पहली कैबिनेट के बैठक में पहला निर्णय हम लोगों ने किया था कि जो उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन सरकारों के जमानों में किसान भाइयों के अनाज की खरीदारी बहुत कम होती थी, नहीं के बराबर होती थी। यदि किसान भाइयों ने गन्ना गिरा दिया मिल के ऊपर तो दो दो साल तीन तीन साल चक्कर लगाने पड़ते थे। यदि उनको डीएपी की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है तो लाठियां चलती थी, 7-8 दिन किसान इंतजार करता था, उसके बाद लाठियां चलती थी और किसान को वहां से खदेड़ दिया जाता। ब्लैक में 400-400 रुपए बोरी, 500-500 रुपए बोरी यूरिया खरीदना पड़ता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जो ये प्रयास हुए हैं कि किसान को सही समय पर बीज मिले, किसान को ठीक दाम पर उसको फर्टिलाइजर मिले, किसी तरीके का किसान को परेशानी ना हो, और मैं ये कह सकता हूँ कि 6.5 साल के भीतर योगी जी की सरकार ने एक किसान के ऊपर लाठी चलाने का काम नहीं किया, यह बदलाव हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। यह एक प्रयास हुआ है गन्ना मूल्य के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब तक 2,15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान हो गया। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासनकाल में मात्र 68,000 करोड़ रुपए का पूर्ण हुआ था, 5 साल में 68,000 करोड़ रुपए और 6 साल के भीतर 2,15,000 करोड़ रुपए, 2.5 गुना से ज्यादा गन्ना की कीमतों के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भुगतान हुआ है। और अब प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि जिस प्रकार के आपके उत्पाद है, हम ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका मूल्य वर्धन कैसे हो, कैसे आपको किसान के साथ साथ आपको व्यापार करने का भी हुनर आपको सिखाया जा सके, इसके लिए ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए, मोदी जी ने सरकार बनने के बाद 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को दिए थे। समाजवादी पार्टी के सरकार के लोगों ने जमीन नहीं बनाया चाहिए, उनके सरकार के समय में ही योगी जी ने कहा तुम नहीं करा रहे हो तो हम अपनी जमीन को देते हैं और यहाँ पर चौक माफी में अपनी जमीन दे करके और कृषि विज्ञान केंद्र की उस समय शुरुआत करेंगे। और सरकार बनने के बाद सभी 20 जिलों को जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया था सबको उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के जमीन दे करके ऐसे भवन तैयार करा करके और हर जनपद के किसान को प्रशिक्षित करके एक कुशल उद्यमी और किसान के रूप में बनाने का काम योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कर रही है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर लगभग 51,000 सोलर पंप 6 साल के भीतर लगाए। अभी आपके आशीर्वाद से विजयादशमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को 30,000 सोलर पंप का उपहार हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो किसान भाइयों को 40% किसान का और 60% जो है वो योगी जी और मोदी जी के सरकार का, और इस तरीके से आपको बिना बिजली की सिंचाई हो सकेगी। अभी आज 20 किसान भाइयों को जो FPO बनाए हुए हैं, 5 समूहों को जिसके भीतर 4-4 FPO शामिल हैं, एग्रीगेटर के रूप में योगी जी के प्रयासों से धुरिया पार्क के भीतर जो मिल चीनी मिल बंद थी वहां पर एक नया प्लांट खड़ा किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा, और फिर इंडियन ऑयल के द्वारा जो प्लांट खड़ा किया गया है वहां जो पुआल हमारा होता है, जो हमारा गेहूं का डंठल होता था, भूसा होता था, उससे कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार किया जाएगा और किसान भाइयों को उसकी कटाई के लिए EPO को आज दिया गया है लगभग ट्रैक्टर पर 50% का अनुदान और जो कृषि यंत्र गए हैं उनके ऊपर 80% का अनुदान हम लोगों ने दिया है। और ये एक FPO को लगभग 17 लाख से लेकर के 23 लाख रुपए अनुदान के रूप में गए हैं, और ये यहाँ पर भी जिसके भीतर ये 4 जिले शामिल किए गए हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, इन 4 जिलों का इतना भी पुआल होगा, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अब पुआल जलाने के जगह पर ये FPO आपका पुआल खरीदेंगे, आपके पुआल की कटाई करेंगे
और वो इंडियन ऑयल के उस प्लांट पर जाएगा, बायोगैस बनेगा, उसके माध्यम से गाड़ियां चलेंगी और जो कंपोस्ट होगा वो हमारे खेत में आकर के सस्ते दरों को सब्सिडाइज दर पर आकर के काम करेगा। हमको रासायनिक उर्वरक की जगह पर हमको ये बायो कंपोस्ट को लगाए जाने की जरूरत है जो इंडियन ऑयल की मुहैया कर सकती है। इसी तरीके का आपके आशीर्वाद से बदायूं के निकट एक दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से एक प्लांट लगाया गया है जो बरेली मंडल के किसान भाइयों का भी पुआली वहां पर जाकर के वहां पर जा सकेगी और पुआल जलाने की समस्या से फोश विधान निकाल करके पर्यावरण को संरक्षित किए जाने के लिए और जो प्रदूषण हो रहा था उसको रोकने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। ये एक अद्भुत प्रयास हो रहे हैं बहुत फसली खेती करने का, खीयन के खेती करने का। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि लगभग यहाँ पर 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के और कुछ कृषि से संबंधित संस्थाओं के स्टॉल लगे हैं। जब यह समाप्त होता है, अभी महाराज जी देख करके आए, आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आधे घंटे के लिए आप अपना समय निकालिए और वहां जाकर के देखिए कि जो श्रीयंग लुप्त हो गया था अमेठी के हमारे केवीके ने कैसे तैयार किया, गोरखपुर के हमारे केवीके ने जो देवी पाल का केवीके है उन्होंने मड़ुआ लगाया मार्च और अप्रैल महीने में 5 क्विंटल मड़ुआ वहां पर तैयार हुआ है। 5 क्विंटल इस साल हमको मड़ुए का 1 क्विंटल पूरे प्रदेश के लिए भी मिला था और एक हमारा केवीके गोरखपुर का 5 क्विंटल तैयार किया है और अगले वर्षों में श्रीयंग की खेती को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती के स्टॉल लगे हुए हैं। आज प्राकृतिक उत्पादों की कीमतें बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ी हैं और इसलिए एक बदलाव किसी क्षेत्र के भीतर हो रहा है। यह आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि काम आगे की ओर बढ़े। इस अवसर पर मैं आपने समय दिया इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो वैज्ञानिक और विधायक और प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आए उनको भी अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए आप सब किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बरसात के बावजूद भी हथिया का बौछार आदमी को ठंडा कर देता है लेकिन उसके बावजूद भी आप गर्मजोशी के साथ यहाँ पर आए। आप सभी किसान भाइयों और बहनों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद महोदय। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को किट वितरित करके आज के इस कार्यक्रम में उन्हें लाभान्वित करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे। श्री सत्यराम सिंह जी को सनाफ श्री महातम सिंह जी फुलवरिया टाउन से जनरल कौड़िया से कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री जगन्नाथ जी को सनाफ श्री सूर्यलाल टेढ़ावीर गांव से जंगल कौड़िया ब्लॉक पैडी एवं मल्टी क्रॉप थ्रेसर के लिए SMAM योजना के अंतर्गत अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्री चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करेंगे सनाफ श्री राम नयन जी रामचौरा गांव कैंपियरगंज से रीपर कम कंबाइनर मशीन के लिए श्री महेंद्र सिंह जी सनाफ श्री फुलदेवा सिंह जी अमसार गांव पाली से सुपर सीडर के लिए श्रीमती अखिलेश मिश्रा जी श्रीमती अखिलेश मिश्रा जी वाइफ ऑफ श्री राम उजागर मिश्रा जी चौक माफी जंगल कौड़िया से PM फसल बीमा योजना से नेक्स्ट श्री अशोक जी श्री लाल जी
श्री विश्वनाथ जी। श्री राम अवध जी। श्री राम अवध जी। श्री राम अवध जी। हम इस क्रम में आमंत्रित करेंगे मृदा परीक्षण किट को प्राप्त करने की लाभार्थी गीता देवी जी को, वाइफ ऑफ श्री राम केवल जी चौक माफी से। इसी क्रम में नोहरा देवी जी, मृदा परीक्षण किट एवं पावर स्प्रेयर की लाभार्थी नोहरा देवी जी, वाइफ ऑफ शिवशंकर जी। इसी क्रम में कुसुम देवी जी, श्रीमती कुसुम देवी जी, वाइफ ऑफ श्री राम सेवक जी बढ़िया चौक से। इसके पश्चात श्री दिलीप कुमार जी, श्री हरिराम जी मंच पर, श्री दिलीप कुमार जी सन ऑफ श्री सत्यन प्रसाद आलमचक से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से श्री हरिराम जी को आमंत्रित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के सुखद भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप आज के इस कार्यक्रम में पत्रिका का विमोचन महायोगी गोरखनाथ ऋषि दर्पण एवं मिलेट्स तथा आचार्य नरेंद्र देव की इस कृषि पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के कर कमलों से आज पत्रिका का विमोचन किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करें इस क्षण का कि एक नई कड़ी आज लोकार्पित होती हुई। सादर धन्यवाद महोदय। और इस पत्रिका के विमोचन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख कृषि क्षेत्र से संबंधित वीडियो की प्रस्तुति। हम सभी आज के इस शुभ अवसर पर अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान, डबल इंजन सरकार का अभियान, किसानों की उन्नति के लिए बीज से लेकर बाजार तक साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। और अब ये कर्मयोगी सरकार अन्नदाताओं को देने जा रही है एक और उपहार। ये उपहार है कृषि से जुड़ी हर बड़ी सुविधा और सहूलियत एक ही छत के नीचे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी आज किसान भाइयों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्ट्रेंथनिंग ऑफ महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र परियोजना की सौगात दे रहे हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर के किसानों को इससे उसी तरह से लाभ मिलेगा जैसे दशकों से बंद पड़े खाद कारखाना और चीनी मिल के पुनः संचालन से हुआ। कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से वहां पर गोदाम निर्माण के कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रम जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिसके माध्यम से किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। एक छत के नीचे किसान भाइयों को बीज विधायन संयंत्र, समेकित कृषि प्रणाली, किसान भवन, प्रशिक्षण भवन, हाईटेक पॉली हाउस, नेट शेड हाउस एवं हाइड्रोपोनिक इकाई, मशरूम एवं स्पान उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण इकाई की सुविधा मिलेगी। इससे अब किसान भाइयों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित
गुड़ प्रसंस्करण इकाई गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने में उपयोगी भूमिका निभाएगी। आधुनिक सुविधाओं और विभिन्न सहूलियतों वाले इस भवन की योजना और लोकार्पण के पीछे है सदा किसानों की चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा। डबल इंजन की सरकार की कृषि नीति और मिशन किसान कल्याण के तहत किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। इस मेले से किसान भाइयों को नई तकनीकों से जुड़ने में मदद और जानकारी मिलेगी। नया गोरखपुर कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करके अन्नदाताओं की उन्नति प्रगति और समृद्धि का केंद्र बन रहा है। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और इस लोकार्पण एवं उद्घाटन के लिए मंच पर आसीन परम श्रद्धे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन कर हम सभी को कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कि आज एक बार पुनः आपने जनमानस को विभिन्न योजनाएं लोकार्पित की। गुरु के आशीष को प्राप्त करना सौभाग्य का प्रतीक है, अतः हम सभी मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं के आज लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में कृषि कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक श्री शिवराम चौहान जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, उप महानिदेशक कृषि प्रसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर यूएस गौतम जी, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि प्रौद्योगिक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर वाराणसी डॉक्टर सुधांशु सिंह जी, भारतीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान हैदराबाद के डॉक्टर आर एम सुंदराम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर यूपी सिंह जी, योगी कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, संजय सिंह जी, इस क्षेत्र के जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको मैं इतने भारी बारिश के बावजूद पिछले 3-4 घंटों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में यहां के किसानों को तकनीकी जानकारी देने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि क्षेत्र के किसान तो अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है। सब्जी की बहुत अच्छी खेती यहाँ के किसान करते हैं और उनके द्वारा सब्जी उत्पादन करके अच्छी आमदनी भी की जाती है और यहां से गोरखपुर के लिए भी सब्जी की सप्लाई होती है। लेकिन एक केंद्र में
कृषि से संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में, एक खेती बाड़ी का हो, बागवानी का हो, सब्जी का, साग भाजी का हो, पशुपालन में उन्नत नस्ल के गोवंश के लिए हो, मत्स्य पालन का हो, गन्ना उत्पादन का हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग का, इन सब से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर एक केंद्र में प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन सरकार की मंशा है। और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उसका माध्यम बन रहा है। भरोइया, कैंपियरगंज और जंगल कौड़िया विकास खंड के सैकड़ों किसान इसके साथ जुड़कर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें यहां के किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के आवासीय व्यवस्था के लिए और यहां पर नए तरीके से खेती को हम लोग किसान के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम योजनाओं का लोकार्पण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में और विराटता को लेकर के प्रत्येक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। वह चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी और उन्होंने इसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड की फ्री में व्यवस्था की। आज भी आपने देखा होगा मंच पे हम लोगों ने कुछ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड के किट वितरित किए, जिससे हेल्थ कार्ड वे बना सके, देख सके और उसका प्रशिक्षण लेकर के लोगों को इसकी जानकारी दे सके, लाभान्वित कर सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिले, जहां इस पर प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए देश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की एक नई पॉलिसी के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान तक पहुंचाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। वहीं हर किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सालाना हर किसान को 6,000 रुपए मोदी जी की ओर से प्राप्त होंगे। यह कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसानों को इस योजना का लाभ विगत 4 वर्षों से निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक तरफ एक सरकार जिसने खेती और किसानी को, आज जो किसान प्लान कर रहा था उस खेती और किसानी को उन किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनाया है, तो दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हुआ है। आपने देखा होगा यही कृषि विज्ञान केंद्र में
यहाँ पर गन्ना के लिए भी एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया, गुड़ बनाने का नए नए तरीके अपनाने के लिए। अब तक हम जो परंपरागत रूप से बनाते थे उससे हटकर के भी उसकी पैकेजिंग भी हो सकेगी। और प्राकृतिक खेती तो हम लोगों को जीरो बजट खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कमी को यानी इसको पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त करके अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो इससे न केवल फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड की बचत होगी, उतना पैसा किसान का बचत होगा, बल्कि बीमारियों से भी बचाव करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। और उत्तम स्वास्थ्य यह हमेशा समृद्धि का माध्यम बनता है, ये भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से इस बात को स्वीकारा है। आज हम सब यहाँ पर इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ ये कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र के हमारे प्रगतिशील किसानों को निरंतर प्रशिक्षित करते हुए उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। तमाम हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकगण आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। यद्यपि आज सुबह से ही बारिश पड़ने के कारण कार्यक्रम में थोड़ी बहुत व्यवधान पड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद आपका उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र में कृषि और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी हर नागरिक के लिए, हर किसान के लिए उपयोगी बनाने में सहायक होंगे। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये केंद्र उस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चौक, बढ़िया चौक, माथाबाड़ी और आसपास के जितने भी यहाँ के नागरिकगण हैं, किसान बंधु आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जिन किसानों को आज यहाँ पर तमाम प्रकार के किट और सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उनको बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि वे भी अपने यहाँ एक मिनी प्रयोगशाला स्थापित करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे। तो हम प्लान कर रहे हैं किसानों को भी खेती को उत्तम रोजगार के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम बना पाएंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज के इस शुभ अवसर पर सब्जी के किट का लोकार्पण किया जा रहा है। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को सादर धन्यवाद ज्ञापित कि इस कार्यक्रम का समापन आपने कृषि